डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन मिल जाएगा, नहीं अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। कुछ बनना था। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा फाइनली सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। दर्शकों के साथ साथ खुद आमिर को भी इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार रहा, क्योंकि आमिर को लाल सिंह चड्ढा से काफी उम्मीदें हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनकर उभरेगी। खबरों की माने तो लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 25 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, जो इस साल की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म होगी। वैसे सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से कुछ यूजर्स इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आमिर भी हर बार इस फिल्म को देखने की अपील करते हैं। ऐसे में जिन जिन लोगों के मन में ये शंका है कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस फिल्म को देखने के लिए पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। नंबर वन, आमिर खान को लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिल गया, बल्कि आमिर की फिल्मों की वजह से उन्हें ये नाम दिया गया। ये तो हम सब जानते हैं कि आमिर अपनी फिल्मों के लिए काफी मेहनत करते हैं, साथ ही वो अपनी फिल्मों के जरिए कोई ना कोई संदेश जरूर छोड़ जाते हैं। ऐसे में लाल सिंह चड्ढा देखना भी दर्शकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर टू, फिल्म लाल सिंह चड्ढा के जरिए आमिर खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। आखिरी बार फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आए, आमिर खान अपनी फिल्मों में हर बार कुछ नया लेकर आते हैं, तो ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि लाल सिंह चड्ढा में क्या नयापन हमें देखने को मिलेगा। नंबर थ्री, लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक है। फिल्म फॉरेस्ट गम ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स जीत चुकी है। फिल्म अपने आप में एक अनूठी कृति है, पर लाल सिंह चड्ढा को बनाने के पीछे की यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि फिल्म के सिर्फ और सिर्फ राइट्स हासिल करने में लगभग 8 साल का वक्त लग गया। फॉरेस्ट गम के मेकर्स ने इसके साथ ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा की टिकट खरीदने की अपील की है। नंबर फोर, लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान भी कैमियो करते नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब बड़े पर्दे पर बॉलीवुड के दो सुपरस्टार शाहरुख खान और आमिर खान एक साथ नजर आएंगे, तो दर्शकों के लिए डबल ट्रीट से कोई कम नहीं। नंबर फाइव, थ्री इडियट्स के बाद आमिर खान और करीना कपूर की जोड़ी एक बार फिर लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाली है। इस जोड़ी को थ्री इडियट्स में बेहद पसंद किया गया था, तो एक बार फिर इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प रहेगा। तो ये हैं पांच वो रीजन जो फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है और मस्ट वॉच बनाती है। वेल, आपको क्या कहना है इसके बाद भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज।